चूरू के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या की सूचना के बाद तारानगर में संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष के आह्वान पर बाजार पूर्णतया बंद रहा। आपको बता दें कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने इस पर कहा कि एक निर्भीक, निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी की आत्महत्या एक बेहद दुखद खबर है। इस दौरान प्रजापत ने मांग की कि पूरे मामले की यहाँ पर निष्पक्ष जाँच हो। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सादुलपुर से एवं संवाददाता योगेंद्र वर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। योगेंद्र, बताएं, जिस प्रकार से अभी सभी के जहन में एक सवाल है कि जिस प्रकार से उनकी छवि बताई जा रही है एकदम निष्पक्ष, निर्भीक और निडर, ऐसे पुलिस वाले से ऐसे का मतलब इस प्रकार की आत्महत्या की उम्मीद, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, क्या पूरी जानकारी है? जी, मैं ये बताना चाहूंगा, थानाधिकारी बिश्नोई बिल्कुल ही निर्भीक, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ एक पुलिस के सिपाही थे जी, जिनको ये कदम उठाना बिल्कुल कायरतापूर्ण था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते बताया जा रहा है कि उन्होंने इस कदम को उठाया है जी। लेकिन अब उनकी इस आत्महत्या को ये राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक, फिर पूर्व सांसद और चूरू प्रतिपक्ष के नेता श्री राजेंद्र राठौड़ सब अभी थाना राजगढ़ थाने के सामने और धरने पर बैठे है और न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं जी। योगेंद्र, एक और चीज है इसमें, अभी गोवर्धन सिंह जो उनकी एडवोकेट रहे, उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट यहाँ पर रिलीज की है, उसमें बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा दबाव में थे, वो राजनीतिक प्रेशर था उनके ऊपर, अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी बात कही कि वो लोग डरते थे, तो क्या वो भी कारण मोटे तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं? जी, उसी व्हाट्सएप के जो कारण प्रथम दृष्टि ये पता चला है कि वो राजनीतिक दबाव में थे और काफी दो दिन से तनाव में थे। रात देर रात्रि भी वो एक हत्या के मामले की जांच में जुटे थे, लेकिन देर रात्रि को ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया योगेंद्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। इस वक्त हर किसी के जहन में यही सवाल है कि जिस प्रकार से उनकी छवि एकदम बिना दाग के बताई जा रही है, जिस प्रकार से निर्भीक उनका पूरी पर्सनालिटी रही, ऐसे व्यक्तित्व से इस प्रकार के कदम की उम्मीद कोई मुश्किल से ही करेगा। आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया, चूंकि एक ऑफिसर थे तो जाहिर सी बात है कि उनके संज्ञान में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन आती रहती होगी। अहिंसक प्रकार की घटनाएं हो गई या फिर आत्महत्या की घटनाएं, तो खुद ऐसी घटना के बारे में जब आप रोजाना देखते हैं अपने अपने सामने और उसके बाद में खुद इस तरीके का कदम उठाना, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है इस पूरे मामले पर। इसी बीच में उनके एडवोकेट के द्वारा अब एक व्हाट्सएप चैट रिलीज की गई जिसमें राजनीतिक दबाव की बात उनके द्वारा स्वीकारी गई है, राजनीतिक रंग लेने लग गई है। अब ये पूरा घटना जो है, राजगढ़ थानाधिकारी की आत्महत्या का मामला जो है, गर्माता जा रहा है। इसी बीच में परिवार ने सीबीआई से उनकी जांच की, इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संज्ञान में जब ये मामला आया, डीजीपी से उन्होंने इसकी रिपोर्ट मांगी और डीजीपी चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए गोवर्धन सिंह राजस्थान उच्च न्यायालय से मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कि क्या आपसे उनके अंतिम बात रही और क्या उन पर दबाव था, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, विष्णुदत्त जी एक बेदाग छवि के घोर ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे जी, यह बात राजस्थान पूरा जानता है। जहां जहां उनका पदस्थापन रहा उनको देवता के रूप में पूजा गया जी। ये राजस्थान के एकमात्र पुलिसकर्मी है जिनको देवता की तरह पूजा जाता था, और किसी एक थाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां जहां पदस्थापन रहा हर जगह ऐसा किया जी। और उन्होंने आज तक किसी भी नेता और किसी बड़े अफसर के कहने पर कोई गलत काम जीवन में नहीं किया, ये मैं दावे से कह सकता हूँ जी। यहाँ राजगढ़ जो है, इस राजगढ़ में पदस्थापन होने के बाद यहाँ की एमएलए ने उनको टॉर्चर करना शुरू किया अलग 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 तरीकों से जी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है
कि मुझे गंदी राजनीति का जो है मैं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पुलिस थाने में जो काम कराया गया उसमें भी उनको करप्ट बताने की कोशिश की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की भूमिका जो है वो संदिग्ध है, पुलिस के लोगों ने जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया जी, यानी कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों पर उनका सवाल था जी। जी जी गोविंद जी, कितने बजे आपकी उनके साथ में लास्ट बात हुई और किस प्रकार से आप देखा जा रहा है चैट के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा भावनात्मक ही पूरी चैट रही, काफी परेशान थे, आपने उनको किस प्रकार से समझाने की कोशिश की? मैंने उनको कहा कि कोई भी राजस्थान का ईमानदार अधिकारी आपको ले लेगा जी, नौकरी मत छोड़िए, आप जो नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं वो मत करिए, आपको कोई ले लेगा और आप अगर व्यथित है तो मैं आ जाता हूँ आपके पास जी। जी यह भी बात कही गई उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर इतना भारी दबाव, इतना टॉर्चर उनको किया गया था, हरासमेंट किया गया था, उनकी स्वाभिमान पर चोट की गई थी, इसलिए जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद, आज राजस्थान पूरा कहीं ना कहीं रो रहा है, लाखों लोग रो रहे हैं उनके लिए, और राजस्थान सरकार में विधायक जो है वो जिस तरह से यहाँ खेल कर रही थी वो खेल आज एक कोहिनूर हीरे को हमारे से ले गया। गोवर्धन जी, लास्ट में जब उनसे आपकी बात हुई तो आपको क्या इस चीज का थोड़ा भी अंदाजा था, थोड़ी भी भनक थी कि इस चैट के बाद में वो इस प्रकार का इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या उनकी बातों से ऐसा कुछ लगा आपको? उनकी बातों से मुझे केवल इतना सा लगा कि वो नौकरी छोड़ने वाले हैं जी, मुझे नौकरी छोड़ देते तो बिल्कुल जरा सा भी दुख नहीं होता बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया ये कदम इतना जबरदस्त अपूर्णीय क्षति दे गया पूरे राजस्थान को, पुलिस को, जनता को, हर आदमी को। और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि ये जो घटना घटी है ना, ये दबाव जो है राजस्थान पुलिस का हर सिपाही और पुलिस कर्मी जो अधीनस्थ है वो झेल रहा है जी। और मुझे ये दुख है इस बात को कहते हुए, और मैं डीजीपी को ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज अगर इन्होंने नहीं संभाला तो आपको ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलेगी। राजनीति, नेता और पुलिस के उच्चाधिकारियों गठबंधन यदि आपने नहीं तोड़ा तो इतने अनगिनत गलत काम होने वाले हैं, अनगिनत कोहिनूर पुलिस के हीरे जो है जाने वाले हैं। आप आज ही इन सब चीजों को ठीक करिए, ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से डीजीपी को कहना है जी। गोवर्धन जी, एक चीज और है, जांच की अगर बात की जाए तो अब आप क्या चाहेंगे, किस एंगल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप न्याय व्यवस्था से आते हैं तो अब ये मामला हो गया है बेहद दुखद, अब जो न्याय की प्रक्रिया है किस प्रकार से आगे, आपको क्या मेरी आवाज आ पा रही है गोवर्धन जी? हेलो गोवर्धन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जांच की अगर बात की जाए तो आप खुद भी, आपकी कम हो गई तकनीकी खामी के चलते, गोवर्धन जी फिर से लौटेंगे आपके पास में, तकनीकी खामी के चलते आवाज में अभी थोड़ा क्लिच हो रहा है मेरे ख्याल में। गोवर्धन सिंह जी, जिनकी व्हाट्सएप चैट अभी बहुत ज्यादा यहां पर सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लास्ट में उन्हीं के साथ में बात हुई थी, फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे, बताया किस प्रकार से क्या बातें उनके बीच में हुई, काफी ज्यादा दुखी और आहत लग रहे थे अपने अपने अधिकारियों के दबाव में बताया जा रहा है। लेकिन विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से निर्भीक उनकी छवि थी, इतने ज्यादा निडर ऑफिसर ने इस प्रकार का कदम उठाया, किस प्रकार से उन पर भावनात्मक रूप से प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा होगा या दबाव इसे कह सकते हैं।